नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूँ रूबी नेगी। और वक्त हो चुका है गवर्नमेंट जॉब और वैकेंसी से संबंधित खबरों का। जी हाँ, अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो इस खबर को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ रोजाना आपको 10 अलग अलग विभाग सरकारी नौकरी की वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, सबसे पहली वैकेंसी है दिल्ली पुलिस में। यहाँ पदों की संख्या 554 है, पद का नाम है हेड कांस्टेबल। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 13 नवम्बर 2019। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को 12वीं पास होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 25 होनी चाहिए। मासिक आय नोटिफिकेशन के अनुसार वेतनमान 25,000 से 40,540 रहेगा। आवेदन के लिए योग्य उम्मीदवार www.dellipolice.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप यहाँ नौकरी नहीं करना चाहते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए एक और सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन लाए हैं। आप इसे ध्यान से देखिए और इस पर अमल कीजिए। यह वैकेंसी है NTPC में। यहाँ पदों की संख्या 320 है, पद का नाम है JE। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 16 नवम्बर 2019। आवेदक की आयु 23 से 34 होनी चाहिए। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से साइंस ग्रेजुएट होना चाहिए। मासिक आय 48,000 प्लस अन्य भत्ते रहेंगे। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार www.ntpc.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अगली वैकेंसी है भारतीय स्टेट बैंक में। यहाँ पदों की संख्या 36 है, पद का नाम है SCO। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 17 नवम्बर 2019। आवेदक की आयु 23 से 35 होनी चाहिए। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। मासिक आय 57,000 रुपए रहेगा। आवेदन करने के लिए आप www.recruitment.bank.sbi पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको यह नौकरी भी पसंद नहीं आई है तो घबराइए मत, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने भी वैकेंसी निकाली है। यहाँ पे पदों की संख्या 100 है, पद का नाम है टेक्नीशियन। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 15 नवम्बर 2019। आवेदक की आयु 21 से 50 होनी चाहिए। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को ग्रेजुएट होना चाहिए। पे स्केल 34,000 रुपए रहेगा। आवेदन के लिए आप www.indianairforce.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि यह नौकरी भी आपके लायक नहीं है तो आप UPSC CAPF ज्वाइन कीजिए। यहाँ पदों की संख्या 800 है, पद का नाम है असिस्टेंट कमांडेंट। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 12 नवम्बर 2019। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवारों को 12वीं पास होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 28 होनी चाहिए। मासिक आय नोटिफिकेशन के अनुसार वेतनमान 35,000 से 41,540 रहेगा। आवेदन के लिए आप www.upscionline.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको यह नौकरी भी पसंद नहीं आई है तो फिक्र मत कीजिए, क्योंकि अगली वैकेंसी है सदर्न रेलवे में। यहाँ पदों की संख्या 84 है, पद का नाम है जूनियर इंजीनियर। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 25 नवंबर 2019। आवेदक की आयु 25 से 50 होनी चाहिए। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवारों को सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा या BSc डिग्री होना अनिवार्य है। मासिक आय नोटिफिकेशन के अनुसार वेतनमान 60,000 प्लस अन्य भत्ते रहेंगे। आवेदन करने के लिए आप www.srindianrailway.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगली बड़ी वैकेंसी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में। यहाँ पदों की संख्या 100 है, पद का नाम है GRF। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 31 नवंबर 2019। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को MSc BTech डिग्री होना चाहिए। आवेदक की आयु 21 से 35 होनी चाहिए। पे स्केल 55,000 रुपए रहेगा। आवेदन के लिए आप www.iiap.res.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप राजस्थान पुलिस में भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पदों की संख्या 3,000 है, पद का नाम है हेड कांस्टेबल। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 20 नवंबर 2019। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को 12वीं पास होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 28 होनी चाहिए। पे स्केल 26,900 से 40,000 रुपए रहेगा। आवेदन के लिए आप www.policeRajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, इसके अलावा अगली नौकरी है यूको बैंक दिल्ली में। यहाँ पदों की संख्या 15 है, पद का नाम है मैनेजर। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 19 नवंबर 2019। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को BCom MBA MCom पास होना चाहिए। आवेदक की आयु 21 से 45 होनी चाहिए। पे स्केल 45,600 से 54,100 रुपए रहेगा। आवेदन के लिए योग्य उम्मीदवार www.yukobank.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, और आज की आखिरी बड़ी बंपर वैकेंसी है NDMC में। यहाँ पे पदों की संख्या 205 है, पद का नाम है स्वीपर। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 20 नवंबर 2019। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को 10वीं पास होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 30 होनी चाहिए। पे स्केल 18,000 रुपए रहेगा। आवेदन के लिए आप www.ndmc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
जी हाँ, उपरोक्त सभी वैकेंसीज का ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आपके डॉक्यूमेंट में जो विवरण लिखा है आप वही भरिए, अन्यथा आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये थी 10 अलग अलग विभागों के सरकारी नौकरियों के वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस पोस्ट को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि सरकारी नौकरी से संबंधित सारी खबरों से आप रह सकें अपडेट।